इस डायग्राम को बना लोगे, प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस एनसीटी में 323 और काइनेटिक थियोरी में है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सियल गैस प्रेशर बाय आइडियल गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। तो उस डायग्राम जो बनाएंगे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो हम लोग का देखो जो डायग्राम, तो इसी को ही माना लेते हैं, ये वी एक्स वी वाई वी जेड इस डायरेक्शन में और माइनस वी एक्स इस डायरेक्शन, और ये जो डिस्टेंस है एक्स वाई जेड प्लेन में, ये सब एरिया है। ठीक है, डायग्राम हम और नहीं बना रहे, नहीं तो डायग्राम बना दे तो अर्थ अच्छे से आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ये वाला जो वाल है इसका एरिया सब दिया है और पार्टिकल तो एक इधर जा रहा है, इधर पे टक्कर के आ रहा है। ओके, अच्छा ठीक है, तो इधर जो जा रहा है वो वाला वी एक्स वी वाई वी जेड, और इधर जो आ रहा है माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड, ये वेलोसिटी। हाँ बेटा, क्या हुआ? पता नहीं चला बेटा। कुछ लिखा तुम लोग, पता नहीं चल रहा क्या लिखे। हाँ, कैपिलरी ट्यूब वाला, ये वाला हो जाए, उसके बाद ही कैपिलरी ट्यूब वाला बताए, ये वाला हो जाए, इसमें भी कोल सर्वाइस का डाउट है। ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, ये वाला जेड है। तो अभी देखो, जब पार्टिकल मूव करेगा तो चेंज इन मोमेंटम, पहला पॉइंट होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए मॉलिक्यूल कितना हो गया? माइनस एम बी एक्स, माइनस एम बी एक्स, मतलब जब जा रहे थे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना? माइनस एम बी एक्स, इनिशियल क्या? भी नाम भी, तो क्या बोलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, तो कितना हुआ? इतना, तो कितना होगा? माइनस टू एम बी एक्स। क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, कोई पार्टिकल का मास एम है, पहले वो जा रहा था एम बी एक्स, जब वापस आया माइनस एम बी एक्स, तो फाइनल वाला हुआ माइनस एम बी एक्स और जाने वाला होगा एम बी एक्स, तो चेंज इन मोमेंटम टू एम बी एक्स। उसके बाद एक लिखना है, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ, एक मोमेंट बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इंपार्टेड टू द वॉल, इम्पार्टेड मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल इन ईच कोलिजन। क्या लिखोगे? ईच कोलिजन कितना हो जाएंगे? टू एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, और उसने जो दीवार के इम्पार्ट किया वो कितना हुआ? टू एम वी एक्स। मान लो एक एक्शन होता तो दूसरा रिएक्शन होता उस पैटर्न में। ओके, मॉलिक्यूल के पास जो है ये, और दीवार में इंटर जो दिया है टू एम बी एक्स, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद जो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज द डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल, इसको क्या बोला? डेल्टा टी बोल दिया, स्मॉल टाइम इंटरवल। उसमें जो हम लोग का काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी का एजम्पशन जो है, इस एजम्पशन के अंडर में
क्या होता है कि हब ऑफ द मॉलिक्यूल जो उसमें जो टोटल मॉलिक्यूल्स है उसमें से हब ऑफ द मॉलिक्यूल हिट्स द वॉल एंड हब ऑफ द मॉलिक्यूल मूव्स अवे। तो हब ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, हब ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग टूवर्ड्स द वॉल और हब ऑफ द मॉलिक्यूल मूविंग आउट ऑफ द वॉल, मतलब इधर आ रहा है और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, ये वॉल में टक रहा है, वॉल से आउट हो चुका है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एजम्पन्स है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे क्या आएगा, मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल ऑफ एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितनी मॉलिक्यूल्स यहां पे ये करेंगे, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग का होता है हाफ इन टू हाफ मॉलिक्यूल्स बोला, हाफ इन टू इसका वेलोसिटी वी एक्स था, ए इन टू वी एक्स क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इन टू डेल्टा टी, तो क्या होगा वॉल्यूम हो गया। तो इतना वॉल्यूम इन टू इसका नंबर डेंसिटी, इसका क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है, जो नंबर डेंसिटी एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बोलते हैं एन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम लोग ये चीज लिख दिया ए इंटू बी एक्स इंटू डेल्टा टी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और जो एजम्पशन है उसमें कितना होता है हाफ, जितनी प्रेजेंट है उसका हाफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करता है हाफ मॉलिक्यूल सीधा आता है। तो इस जगह पे क्या होगा हाफ इंटू ए इंटू बी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। हाँ हाँ बेटा, एक के बाद एक होगा ना, एक साथ दोनों थोड़ी हो जाएंगे, वो तो उसका स्टेटमेंट होता है। अच्छा ओके, ये वाला हो गया। इसके बाद इतना मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल में कितना ट्रांसफर हुआ था 2 mv x, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना ट्रांसफर होगा, देयरफॉर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इक्वल्स टू, तो अभी देखो एक मॉलिक्यूल में इतना होते हैं और मॉलिक्यूल है इतना, तो इंटू कर देंगे हाफ इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एन इंटू 2 m भी एक्स काट जाएंगे। तो ये जो आ जाएगा एन एम, छोटे छोटे वाला को पहले लिख लेना एन एम, उसके बाद क्या बचेगा वी एक्स स्क्वायर,
इंटू ए इंटू डेल्टा टी। ये क्या मोमेंटम ट्रांसफर्ड, तो जो तुम्हारा मोमेंटम ट्रांसफर द वॉल इतना हो गया। अभी फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम अपॉन टाइम। ये वाला मोमेंटम, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा फोर्स। तो फोर्स कितना हुआ एन एम वी एक्स का स्क्वायर इंटू ए, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये वाला फोर्स आ गया। फोर्स के बाद ही आ जाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर कितना होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो एन एम वी एक्स स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए, तो कितना हो जाएंगे एन एम वी एक्स स्क्वायर। प्रेशर इक्वल टू एन एम वी एक्स स्क्वायर। अभी जो प्रेशर बोलते हैं ना एवरेज प्रेशर बोला जाता है, एवरेज प्रेशर। तो एवरेज प्रेशर, एवरेज का सिंबल इस तरीका से लिखते हैं। तो प्रेशर जो है तो जो हम लोग का बोलेंगे ये जो वी एक्स जो है वो क्या होता है कि देखोगे डिपेंडेंट वेलोसिटीज, बिकॉज हर पार्टिकल का अलग 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 वेलोसिटीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर ले रहे हैं वो कौन सा प्रेशर है एवरेज प्रेशर है, बिकॉज हर मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट वेलोसिटीज नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फॉर एवरेज प्रेशर। कितना हो जाएंगे एन एम वी एक्स स्क्वायर दिस वन, ये वाला एवरेज का सिंबल होते हैं। ये वाला किसका सिंबल होते हैं एवरेज, इसके ऊपर जो बार लगा देते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं ना एक्स बार, तो एवरेज का सिंबल होती है। तो एवरेज प्रेशर वाली बात ये चीज आ गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बोलते हैं कि जो मीडियम यहाँ पे होता है वो मीडियम कौन सा होता है आइसोटोपिक, जो एजम्पशन करते हैं किस टाइप का मीडियम आइसोटोपिक मीडियम। आइसोटोपिक मीडियम होगा तो वी एक्स स्क्वायर के जो वैल्यूज होगा वी वाई का स्क्वायर के वैल्यूज होगा वी जेड का स्क्वायर के वैल्यूज सेम होंगे, ओके। अच्छा तुम लोग जानते थे जो आर इक्वल्स टू क्या होता था, तो जो वेलोसिटी वी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर, वेक्टर वाला केस में जो रिजल्टेंट वेलोसिटीज होती ये सारे सेम हैं। ये कौन सा आइसोटोपिक मीडियम, ये वर्ड लिखनी है आइसोटोपिक मीडियम माना जाता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। ये सारे इक्वल हो गया, ठीक है ना। ये जब इक्वल होगा तो हम लोग किस तरीका से इसको लिख सकते हैं वो पहले देख लो। यहाँ पे सारे एवरेज वाला सिस्टम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू, हमने कुछ मान लिया इक्वल्स टू की लेट वी एक्स स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर वी जेड का स्क्वायर, हाँ वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या मान लिया के मान लिया, इसी को हम लोग के मान लिया। तो अभी देखो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर ये सारे इक्वल है ना, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे जरूरत है ना, ये कितना हो जाएंगे दैट इज थ्री के प्लस के प्लस के दैट विल बी थ्री के, देयरफोर के इक्वल्स टू क्या होगा वन बाई थ्री वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो वन बाई थ्री आ गया, किसका वैल्यूज हुआ के का वैल्यूज हुआ। तो अभी हम लोग को जो प्रेशर आया था कितना आया था, प्रेशर जो आया था इतना आए थे एन एम वी एक्स स्क्वायर का बार। तो ये जो वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा के किसके बराबर था वी एक्स स्क्वायर के बराबर था, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एन एम
वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना आ जाएंगे, टेन एम वी एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1/3 वी एक्स स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। अभी हम लोग जानते हैं ये जो होता है ना वी आर स्क्वायर, जो मतलब रिजल्ट एंड वेलोसिटी वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों हो जाएंगे, तो रिजल्ट एंड वेलोसिटी कितना होगा, दैट विल बी वी। रिजल्ट एंड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वी कहते हैं, वी का स्क्वायर। तो क्या होगा, 1/3 एन एम वी का स्क्वायर, 1/3 एम एन वी का स्क्वायर। कौन सा, ये जो हम लोग यहाँ पे जो लेते हैं एवरेज वाला केस लेते हैं ना, सब जगह एवरेज होगा तो यहाँ पे भी एवरेज आ जाएंगे, तो यहाँ पे एवरेज हो, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम वेलोसिटी। तो 1/3 एन एम सी का स्क्वायर ऐसा भी बोल सकते हैं। अभी एन एम, एन एम इक्वल्स टू क्या होता है, 1/3 नंबर डेंसिटी, नंबर अपॉन वॉल्यूम इन टू एम सी का स्क्वायर। तो एक मॉलिक्यूल का मास एम है, तो एन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, टोटल हो जाएंगे नंबर डेंसिटी, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल नंबर कैपिटल एन। तो 1/3 ए टोटल मास कितना होगा, कैपिटल एम अपॉन वॉल्यूम इन टू सी का स्क्वायर, तो कितना होगा, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, 1/3 रो सी का स्क्वायर, ये वाला इसका डेरिवेशन होता है। तो मान लो कि देखो ये जो है ये आइसोटोपिक, बेटा ये पूरा ही डेरिवेशन है, इसीलिए तो इसे इंपॉर्टेंट है। इस वाले को तुम लोग डायरेक्ट लिख दे सकते हो, वहां से लेके ये वाला लेके, हाँ ये लॉन्ग ही होता है, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट भी लिख दे सकते हो, ठीक है। ये देख यहां से शुरू होती है, चलता है ना यहां तक चलता है, ठीक है, जेन एम वी एक्स स्क्वायर, ओके एन वाला, एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एम क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो एन इंटू एम क्या हो जाएंगे, कैपिटल एम हो जाएंगे, टोटल मास, एम इक्वल्स टू टोटल मास। क्लियर अंशुमान, ओके तो बेटा एक बार देख ले, जस्ट एक ही तो डेरिवेशन है, सबको शॉर्टकट में कर देते, लेकिन ये वाला नहीं हो पता, ये देख ये चीज है ना, फिर एवरेज वाली बात आएगा, कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ तक पहुंचेगा, उसके बाद ये चीज आ जाएगा, यहाँ तक बोले तो यहाँ तक कर देना, और एग्जाम में कभी कभार देखना यहाँ तक आता है। हाँ बेटा अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी सेंड करते हैं बेटा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसमें क्या होता है, देखो हम लोग ये जानते हैं उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम बी का स्क्वायर होती है, वो किसके बराबर होते हैं, 3/2 केवीटी के बराबर होता है, ये क्लियर है ना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, 3/2 केवीटी के बराबर होते हैं। अभी देखो तुम लोग पढ़े हैं ये जो भी का स्क्वायर, ये जो तुम्हारा जो है इस जगह पे एक एवरेज वाली बात डाल दिया, तो एवरेज स्क्वायर अभी अभी जो तुम लोग पढ़ा, भी स्क्वायर इक्वल्स टू भी एक्स स्क्वायर प्लस भी वाई का स्क्वायर प्लस भी जेड का स्क्वायर, ये सारे चीज होगा इसके एवरेज। तो जो हाफ एम भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम भी एक्स स्क्वायर हाफ एम भी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम भी जेड का स्क्वायर,
इक्वल टू कितना है, 3/2 KBT। KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, KB मतलब क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, इसको क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां तक हो गया। अभी जो काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी होती है, हॉट डायरेक्शन में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सारे बराबर होते हैं, तो उस जगह पे क्या होता है, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी जेड का स्क्वायर होते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिकुलर, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी, ये सारे इक्वल होता है। देयरफोर क्या हम लोग को मिलेगा, वो तीनों इक्वल 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 करके है, तो इसको हमने क्या मान लेते हैं, इसको मान लिया सपोज तीनों जगह पे दैट इज बराबर के, इसको हम लोग के मान लिया। तो पहले क्या था, तीनों किसके बराबर, के बराबर मान लिया। तो हम लोग पहले पढ़ा था हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 3/2 के बी टी था। तो इसमें के स्क्वायर के प्लस के प्लस के इक्वल्स टू 3/2 के बी टी, तो 3K इक्वल्स टू 3/2 के बी टी, तो के इक्वल्स टू व्हाट, हाफ के बी टी। तो ये जो के है, के इसको माना था, हर जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसमें क्या होगा, दैट मीन्स ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन स्टेट्स दैट एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेट्स दैट ड्यूरिंग थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एन एनर्जी पर डिग्री फ्रीडम इज इक्वल्स टू हाफ के बी टी, वेयर के बी इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट। तो ये वाला प्रूव हो गया। ओके तो ये भी प्रूव हो गया। अच्छा बेटा, ये जो कैपिलरी राइज, ये तो जानते हो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, ठीक है, अभी डेरिवेशन की जरूरत है। ये जो पीए लिखा है ना, यहाँ पे क्या होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, और मान लो उस कैपिलरी में क्या होता है, पानी धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके ये वाला एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये वाला दैट इज आउटसाइड में प्रेशर है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। अभी यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे भी क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। ठीक है बेटा, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है, एक्सेस प्रेशर बोला जाता है। ओके इनसाइड प्रेशर प्लस जो पी नॉट, वो वाला क्या हो जाता है तुम्हारा, एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पे कौन सी है, पी आई है, इनसाइड प्रेशर, और इस जगह पे क्या हुआ है, एज रो जी। तो ये जो है ना, इस हाइट में एक प्रेशर होता है और यहाँ पे एक प्रेशर होता है, इसके बराबर साइड में जो प्रेशर होता है दैट इज द पी ए। ओके तो एक बार जस्ट इसको रीड कर लो थोड़ा सा। हाँ बेटा, कैपिलरी राइज जो यहाँ पे दिया गया,
तो इसका मतलब ये जो होता है एसेंट फॉर्मूला, वो क्या होता है देखो, इस तरीका से कंटेनर जैसे बना लो, यहां पे मान लो कैपिलरी है, तो कैपिलरी में जब होती है तो इस टाइप का मिनिस्कस बन जाता है, और यहां पे मान लो लिक्विड लेयर का, ये जो लिक्विड का लेयर है यहां तक, तो ये वाला हाइट जो है एच है, ये वाला पी ए, ये वाला मान लो पी ओ, इसके बाहर प्रेशर पी, और अभी इसके बाद लिक्विड कॉलम भी है, इतना प्रेशर भी है और एज भी है, तो यहाँ पे जो पी आई को मान लेते हैं, पी आई जो है तो पी आई किस किस के बराबर है, तो तुम्हारा पी नॉट है प्लस एच रो इंटू जी जो हाइट है, पी आई यहाँ पे पी आई है तो यहाँ पे भी पी आई होगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो ये जो पी आई होगा ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, बिकॉज लिक्विड में और इक्वल हाइट में इक्वल प्रेशर होती है, तो यहाँ पे भी पी है यहाँ पे भी पी है, तो पी नॉट प्लस एच रो जी, तो पी ए माइनस पी नॉट इक्वल्स टू एच रो इंटू जी, तो पी ए तो एक्सेस प्रेशर है ना, तभी तो इस टाइप का मिनिस्कस हुआ, तो पी ए माइनस पी नॉट इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू जी, एक्सेस प्रेशर क्या होता है टू एस अपॉन आर एच रो इंटू जी, अच्छा टू एस अपॉन आर, आर क्या होता है मिनिस्कस का रेडियस, तो मिनिस्कस को बड़ा करके बना लेता हूं, तो इतना मिनिस्कस को बड़ा करके बना ली, तो यहां पे इस टाइप का एक बड़ा सर्कल जैसी होगी, तो इसका जो रेडियस है दैट इज आर, तो ये जो हम लोग का इस वाले का रेडियस जो होगा वो कितना होगा, इसको कैपिटल आर बोल दिया, नहीं तो स्मॉल ए बोल दिया, जो भी बोलना चाहते हो, अभी देखो ये वाला टेंजेंट है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी कितना होगा थीटा होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसका इसका साम 90 और इसका इसका साम भी 90, ये वाला कैंसिल होगा तो थीटा आ जाएगा, तो इस जगह में मिल रहा है आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो आर इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, देयरफॉर स्मॉल आर इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा, इसमें पुट कर दो, टू एस अपॉन आर आर अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू जी, इधर लिख देता हूँ थोड़ा जाएगा, टू एस कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू एच रो इंटू जी, तो एच रो इंटू जी इंटू आर इक्वल्स टू टू एस कॉस थीटा, तो एच इक्वल्स टू टू एस कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, और इसी को क्या बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, इज इट क्लियर, और इसको क्या बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा